दोस्तों एक समय में नोकिया कंपनी काफी बड़ी कंपनी थी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि नोकिया कंपनी का नाम आखिर नोकिया पड़ा कैसे? तो दरअसल बात ऐसी है कि नोकिया फिनलैंड का एक छोटा सा शहर है और जो सभी नोकिया के फोन है वो इसी शहर में बनते हैं, इसी वजह से इस कंपनी का नाम नोकिया पड़ा। आप सभी को मालूम है कि भारत के अलावा एक देश ऐसा भी है जहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उस देश का नाम है फिजी। सभी को मालूम है कि जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय डिश खिचड़ी को माना जाता है। दोस्तों इस नेचर के अंदर एक से बढ़कर एक पक्षी मिलेंगे, लेकिन एक पक्षी उनमें से है जिसका नाम है टीटू। टीटू ने एक ऐसा पक्षी है जिसे हाथ लगाने में ही वो पक्षी मर जाता है। दोस्तों हमारे भारत में रेलवे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा नौकरियां देता है, लेकिन उनमें से एक फैक्ट ये भी है, पहले भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरियां थी, लेकिन अब प्राइवेट नौकरियां हो रही है या प्राइवेट रेलवे स्टेशन हो रहा है। तो उनमें से सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, तो ये फैक्ट। दोस्तों कुछ समय पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्मों से डर लगता है, तो उसके साथ होता यूँ है कि अगर वो एक घंटे कोई डरावनी फिल्म देखे तो उसे 30 मिनट तक जो पैदल चलने में उसकी कैलोरी बर्न होती है वो एक घंटे की फिल्म देखने से हो सकती है, अगर वो डरावनी फिल्में देखे तो। आप सभी को मालूम है कि जब दुश्मन कोई छिपकली को पकड़ती है तो छिपकली से बचने के लिए अपनी पूंछ को अलग कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ये खासियत छिपकली को बहुत ही फायदा करता है अपने दुश्मन से बचने के लिए। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और शेयर करना वीडियो को ना भूलें।